गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। 503 यानी 503 नंबर पर है यह सब। नोवाह के लिए कल्पना से परे था, यानी यह घटना जो हुई थी वह सब कह रहा है यह सब नोवाह के लिए कल्पना से परे बात थी। दिस वाज समथिंग, यह ऐसी कुछ बात थी। नोवाह कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ, नोवाह तो इसके कल्पना में भी सपने में भी नहीं सोच सकता। दिस वाज समथिंग, या कुछ ऐसी बात थी, नोवाह कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ। 504, उसने एकदम दरवाजा खोलकर उसे बाहर घसीट दिया। उसने एकदम दरवाजा खोलकर उसे बाहर घसीट लिया। He immediately unlocked the door and dragged him out. उसने एकदम दरवाजा खोलकर उसे बाहर घसीट लिया। He immediately unlocked the door and dragged him out. 505, उसके पास उसको पीटने के अलावा कोई चारा न था। उसके पास उसको पीटने के अलावा कोई चारा न था। He was left with no alternatives. He was left with no alternatives but to beat him thoroughly. Thoroughly उचित तरीके से। He was left with no alternatives but to beat him thoroughly. कपटी ने ओलिवर के दुस्साहस का वृतांत सुनाया। कपटी ने ओलिवर के दुस्साहस का वृतांत सुनाया। डी डाजर प्रोवाइडेड ए मॉडिफाइड वर्सन ऑफ ओलिवर्स मिस एडवेंचर। कपटी ने ओलिवर के दुस्साहस का वृतांत मतलब कहानी सुनाया, विवरण दिया। दे डाजर प्रोवाइडेड ए मॉडिफाइड वर्सन ऑफ ओलिवर्स मिस एडवेंचर। उसने अपना किरदार इस बखूबी से निभाया कि किसी को भी शक न हुआ। उसने अपना किरदार इस बखूबी से निभाया कि किसी को भी शक न हुआ। She enacted her part so well, इतनी अच्छी तरह से उसने अपना किरदार निभाया। She enacted her part so well that nobody could suspect foul play. उसने अपना किरदार इस बखूबी से निभाया कि किसी को भी शक न हुआ। She enacted her part so well that nobody could suspect foul play. ओलिवर का कोई पता न था। ओलिवर का कोई पता न था। There was no trace of Oliver. ओलिवर का कोई पता न था। There was no trace of Oliver. जैसा किस्मत में लिखा था उसने गलत मोड़ ले लिया। जैसा किस्मत में लिखा था उसने एक गलत मोड़ ले लिया। As luck would have it, he took a wrong turn. जैसा किस्मत में लिखा था उसने एक गलत मोड़ ले लिया। As luck would have it, he took a wrong turn. उससे अच्छा और क्या होगा। उससे अच्छा और क्या होगा। There can be nothing better than that. उससे अच्छा और क्या होगा। There can be nothing, कुछ भी नहीं हो सकता। Better than that, उससे अच्छा। उससे अच्छा और क्या होगा। There can be nothing better than that. वह इतनी हिंसक और उत्तेजित थी कि फैगिन भी चुप हो गया।
वह इतनी हिंसक और उत्तेजित थे कि फैगिन भी चुप हो गया। शी वॉज सो वायलेंट एंड एक्साइटेड, शी वॉज सो वायलेंट एंड एक्साइटेड दैट फैगिन वॉज सबड्यूड। वह इतनी हिंसा पर उत्तेजित थे कि फैगिन भी चुप हो गया। शी वॉज सो वायलेंट एंड एक्साइटेड दैट फैगिन वॉज सबड्यूड। उसने साइकस की ओर देखा, यह दर्शाने के लिए कि नैन्सी को काबू में रखने के लिए उससे उपयुक्त वह सबसे उपयुक्त। उसने साइकस की ओर देखा, यह दर्शाने के लिए कि नैन्सी को काबू में रखने के लिए वह सबसे उपयुक्त था। हे लुक टुवार्ड साइकस, हे लुक्स टुवार्ड साइकस एज इफ टू हिंट, मानो संकेत दे रहा हो, दैट ही वाज द फिटेस्ट पर्सन टू डील विथ हर। उसने साइकस की ओर देखा, यह दर्शाने के लिए कि नैन्सी को काबू में रखने के लिए वह सबसे उपयुक्त था, यानी सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। He looked towards Cycas, उसने साइकस की तरफ देखा था, as if to hint that he was the fittest person to deal with her, कि वह उसे संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। वह निकम्मा ओलिवर सबको खराब कर गया, वह निकम्मा ओलिवर सबको खराब कर गया। दैट ऑडियस ओलिवर, निकम्मा ओलिवर, ऑडियस ओलिवर हैड डिमोरलाइज्ड देम ऑल, वह निकम्मा ओलिवर सबको खराब कर गया। दैट ऑडियस ओलिवर हैड डिमोरलाइज्ड देम ऑल। 514, वह निम्न जात के मां बाप की हरामी संतान था, वह निम्न जाति के मां बाप की हरामी संतान था। He was foundling, foundling पितृहीन, बार बार मतलब पैदा हुआ, आप दिलो एंड विशियस पैरेंट्स, वह निम्न जाति के मां बाप की हरामी संतान था। He was foundling born of the low and vicious parents। फैगिन ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी सहायता के बिना वह भूख से मर गया होता। फैगिन ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी सहायता के बिना वह भूख से मर गया होता। फैगिन लेड ग्रेट स्ट्रेस, फैगिन ने दबाव देकर कहा, फैगिन लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट विदाउट हिज हेल्प द बॉय वुड हैव पेरिश्ड विथ हंगर। फैगिन लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट विदाउट हिज हेल्प द बॉय वुड हैव पेरिश्ड विथ हंगर, पेरिश मिट गया होता, मर गया होता। फिर समझिए, फैगिन ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी सहायता के बिना वह भूख से मर गया होता। फैगिन लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द